दुकान का लेआउट समझ लेते हैं कि ये फ्रंट साइड में रोड रहने वाला है जो वेस्ट फेसिंग है, एंड अगर बात करें तो 70 फीट जिधर है उधर की तरफ किसी और का मकान है, एंड 45 फीट पीछे की तरफ भी किसी और का है, एंड राइट हैंड साइड में भी किसी और का मकान है। तो सबसे पहले इसके एक्सिस समझ लेते हैं। इसमें दो एक्सिस मिलती है अंदर जाने के लिए, दो एंट्री मिलती है। फर्स्ट एंट्री में आपकी कार पार्किंग के लिए आप इसको ऑन कर गेट को खोल सकते हैं, एंड सेकेंड एंट्री आपको बार बार आने जाने के लिए छोटा गेट रखा हुआ है। एंड अंदर एंट्री करने पर आपको फर्स्ट में मिलता है वरांदा, एंड लेफ्ट हैंड साइड में मिलती है पार्किंग, एंड राइट हैंड साइड की बात करें तो गार्डन मिलता है। फिर 3 स्टेप अप होने के बाद में अपन को ड्राइंग रूम मिल जाता है। फिर ड्राइंग रूम से अंदर की तरफ चलते हैं तो लिविंग रूम मिलता है। लिविंग रूम के पास में ही स्टेयरकेस दिया हुआ है सीढ़ियाँ, और सामने की तरफ अपन देखें तो एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है। थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं तो मास्टर बेडरूम मिल जाता है। मास्टर बेडरूम के पास में ड्रेसिंग दिया हुआ है और ड्रेसिंग के पास में टॉयलेट दिया हुआ है। फिर अपन बात करते हैं एक बेडरूम की, एक बेडरूम और मिल जाता है। उसके बाहर की तरफ आपको एक गार्डन मिल जाता है। फिर अपन आते हैं बैक साइड में लिविंग रूम से होते हुए डाइनिंग की तरफ, तो एक डाइनिंग रूम मिल जाता है आपको, एक अच्छा सा डाइनिंग रूम है, एंड उसी के पास में पूजा रूम दिया हुआ है। एंड अपन राइट हैंड साइड की बात करें तो किचन मिल जाता है, और उससे उसी के पास में एक वॉश एरिया दिया हुआ है, और किचन से ही अटैच आपको स्टोर रूम मिल जाता है। और डाइनिंग से अगर बाहर की तरफ जाते हो एक सीट आउट प्लेस मिल जाता है। और ये जितना भी आप देख रहे हैं सब पूरा ओपन है, क्योंकि इस मकान में कहीं भी कोई भी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप देख रहे होंगे साइड में पूरा गार्डन, फिर वॉश एरिया, ये सारे सीट आउट गार्डन ओपन, ये पार्किंग, वरांदा, गार्डन, ये सारा पूरा ओपन रहने वाला है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं इसके मेज़रमेंट की, तो मेज़रमेंट समझ लेते हैं। पार्किंग का मेज़रमेंट जो रहने वाला है वो 11 फीट 16 फीट 8 इंची रहने वाला है, एंड उसी के पास में वरांदा है जिसकी साइज़ रहने वाली है 14 फीट 4 इंची बाय 16 फीट 8 इंची। फिर उसके बाद बात करें गार्डन की, तो गार्डन की जो साइज़ रहेगी वो रहेगी 18 फीट 4 इंची बाय 16 फीट 8 इंची का। फिर 3 स्टेप की जो साइज़ है ये एक्चुअल में 10-10 इंची के स्टेप है, और ये जो लैंडिंग है 3 फीट की है। फिर अगर उसके साइड की बात करूँ तो ये ओपन जो है ये 6 फीट वाइड रहने वाला है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सीट आउट की, तो 9 फीट 11 इंची बाय 17 फीट 4 इंची का रहने वाला। उसके बाद में अपन आगे की तरफ चलते तो फिर 6 फीट वाइड मिलने वाला है। फिर सीट आउट की अगर अपन बात करें तो 15 फीट 5 इंची बाय 6 फीट 9 इंची का ये रहने वाला है। फिर अपन समझ लेते हैं इसके अंदर की प्लानिंग के बारे में, तो ड्राइंग रूम की जो साइज़ रहेगी वो रहेगी 18 फीट 9 इंची बाय 12 फीट 4 इंची की साइज़ रहेगी। फिर उसके बाद अंदर की तरफ अपन चलते हैं तो ये लिविंग रूम मिलता है। लिविंग रूम की साइज़ रहेगी 11 फीट 3 इंची बाय 17 फीट 4 इंची की इसकी साइज़ रहेगी, और उसी के पास में जो सीढ़ियाँ दी हुई है इसकी जो वाइंड है, मतलब जितना चौड़ा है ना, ये 3.5 फीट का चौड़ा रहेगी इसकी सीढ़ियाँ, और ये डबल हाइटेड रहेगा, मतलब ये ऊपर जो क्रॉस दिया हुआ है ये ओपन रहने वाला है। फिर उसी के सामने जो कॉमन टॉयलेट दिया है उसकी साइज़ रहेगी 8 फीट बाय 4 फीट, और मास्टर बेडरूम की अगर साइज़ की बात करें तो 13 फीट बाय 15 फीट का इसका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। फिर ड्रेसिंग की बात करें तो ड्रेसिंग की साइज़ रहेगी 4 फीट 8 इंची बाय 6 फीट 7 इंची का इसका ड्रेसिंग साइज़ रहेगा, एंड उसी के पास में जो अटैच टॉयलेट है उसकी साइज़ रहेगी 4 फीट 8 इंची बाय 8 फीट 1 इंची का साइज़ रहने वाली है। फिर बात करते हैं इसके सेकंड बेडरूम की, तो बेडरूम की जो साइज़ है 12 फीट 8 इंची बाय 13 फीट का बेडरूम रहने वाला है। फिर उसके बाद अपन आगे की तरफ चलते हैं तो डाइनिंग मिलता है। डाइनिंग का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 15 फीट 1 इंची बाय 13 फीट 7 इंची का डाइनिंग एरिया मिल जाता है, और उसी के पास में किचन है, तो किचन की साइज़ रहेगी 12 फीट 8 इंची बाय 12 फीट 1 इंची। उसी के लगता हुआ स्टोर मिल जाता है, तो स्टोर रूम की जो साइज़ रहेगी वो रहेगी 12 फीट 8 इंची बाय 4 फीट का। फिर पूजा रूम की बात करें तो पूजा रूम की साइज़ रहेगी 13 फीट 4 इंची बाय 13 फीट 7 इंची। फिर उसके बाद बात करते हैं वॉश एरिया की, तो 4 फीट 8 इंची का वाइंड रहने वाला है ये वाला वॉश एरिया, और ये गार्डन रहने वाला है 4 फीट 8 इंची का। ये प्राइवेट चाहे तो आप यहाँ पर वॉल हटा भी सकते हैं, ताकि आपकी अगर कोई काम वाली भाई है तो वो डायरेक्टली आके इधर से एंट्री हो जाए उसकी, ये वॉल हट जाएगी उसमें। फिर बात करते हैं इसके फर्नीचर लेआउट के बारे में, तो फर्नीचर लेआउट में तो कार आपको दिख रही होगी, एक्चुअली फर्नीचर लेआउट में नहीं आती है, बट फिर भी बता देता हूँ। और ये ड्राइंग रूम में दोनों साइड में सोफे दे दिए हैं, एंड सामने की तरफ टीवी यूनिट दे दिया है। फिर आगे की तरफ चलते हैं तो लिविंग रूम में भी एक टीवी यूनिट मिल जाता है,
एंड उसी के पास में आपको सोफ़ा मिल जाता है, जो 5 सीटर सोफ़ा लगा हुआ है। फिर आगे की तरफ चलते हैं तो डाइनिंग टेबल मिल जाती है, उसी के सामने टीवी यूनिट भी लगा हुआ है। एंड पूजा में आप पूजा का प्लेसमेंट कर सकते हैं मंदिर वगैरह का। एंड उसी के सामने की तरफ वॉश मशीन का हैंड वॉश वगैरह करने के लिए आपके यूज़ में रहेगा। फिर अपन पहले इन दोनों रूम का भी देख लेते हैं। तो इस रूम में बेड लगा हुआ है, सामने की तरफ आपका टीवी यूनिट लग जाता है, उसी के पास में एक सोफ़ा 3 सीटर सोफ़ा लग जाएगा। और ड्रेसिंग में आप जैसे एल शेप में आप ड्रेसिंग वार्डरोब बनवा सकते हो ड्रेस। और सामने की तरफ डब्ल्यू सीट दिख रही होगी आपको। एंड इसमें बेडरूम है, बेडरूम के सामने की तरफ आपको टीवी यूनिट मिल जाता है, इधर की तरफ वार्डरोब मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर ड्रेसिंग वगैरह नहीं है इसलिए। फिर उसके बाद बात करते हैं इस किचन की, तो किचन में आपको स्टोव मिल जाता है, राइट हैंड साइड की तरफ सिंक मिल जाता है। एंड उसी के सामने की तरफ फ्रिज प्लेसमेंट किया हुआ है। और बात करें सारे डोर की ओपनिंग भी आप देख ही सकते हैं, इसमें जितने भी डोर दिए हुए सारी ओपनिंग आप देख लीजिए। और विंडो की प्लेसमेंट भी देख लीजिए, सारी विंडो, ये ब्लू लाइन है, ये विंडो है, ये विंडो है, ये विंडो, इधर भी विंडो है, ये भी विंडो है, ये वेंटिलेशन है सॉरी, और ये विंडो है और ये वेंटिलेशन हो जाएगा। और टॉयलेट के पास में जो भी है सारे वेंटिलेशन है ब्लू में, एंड ब्लू में जो दूसरे हैं वो रूम ये वाली विंडो रहने वाली है। तो फ्रेंड आपको ये प्लान कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही प्लानिंग की वीडियो डालता रहता हूँ। हफ्ते में 2-3 बार प्लानिंग की वीडियो मेरी आ ही जाते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और नई प्लानिंग के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।